हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी हाँ फ्रेंड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी ये रिसेंटली न्यूज में था, तो जानेंगे न्यूज में क्या था और ये बॉडी किस तरह से काम करती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं वीडियो में बिना देरी किए हुए। तो अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाई इन द न्यूज़, द सुप्रीम कोर्ट राइज द क्वेश्चन ऑन द प्रजेंट सिस्टम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इट्स द चॉइस एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, दैट इज CECS एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिर है, द कोर्ट सेड दैट ये फेयर एंड द ट्रांसपेरेंट सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड टू द अपॉइंटेड द बेस्ट पॉलिटिकल बेस्ट ए पॉलिटिकल पर्सन हु कैन मेक द इंडिपेंडेंट डिसीजन विदाउट बींग द इन्फ्लुएंस्ड। तो ये था। उसके बाद फिर है आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है उसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। इलेक्शन कमीशन इज ए परमानेंट एंड द इंडिपेंडेंट बॉडी बाय आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज वास्टेड विद द पावर ऑफ द कंडक्टिंग द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द कमिश्नर्स, इसकी अपॉइंटमेंट किस तरह होता है, तो इसके बारे में द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स दैट इज CEC एंड द इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है फ्रेंड। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। दे हैव टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच इवर इज earlier, they enjoy the same status and the receive salary and the salary and packs as the available to judges of the Supreme Court of India. उसके बाद next point की बात करें तो the CEC can be the removed from the office except in the same manner and on the same grounds as the judge of the Supreme Court. उसके बाद next point की बात करें तो the Constitution has not the prescribed the qualifications of the members of the election commission. उसके बाद फिर the constitution has not debarred the retiring election commissioners from any further appointment by the government. उसके बाद फिर है composition of election commission. Since the inception and till 15th October 1989, the election functioned as a single member body कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन मतलब CEC। उसके बाद फिर है द कमीशन एज ए पार्ट ऑफ इट्स द क्वेसी जुडिशियल ज्यूरिडिक्शन ऑल्सो सेटल्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्प्लेंटर ग्रुप ऑफ सच रिकोगनाइज पार्टीज। उसके बाद फिर करें एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल की बात करें एट स्टेट लेवल द इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाई द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें एट डिस्ट्रिक्ट लेवल द कलेक्टर एक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ही अपॉइंट्स ए रिटर्निंग ऑफिसर फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग तो 16th October 1989 the President appointed two more commissioners to cope with the increased work of the Election Commission on account of the lowering of the voting age from the 21 to 18 years in case of the difference of opinion amongst the CEC and or two other election commissioners. The matter is the decided by the commission by the majority. By majority, उसके बाद फिर बात करें political parties and the commission की, तो इलेक्शन कमीशन इंश्योर्स ई लेवल प्लेइंग द फील्ड फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज इन द इलेक्शन फ्राई थ्रू स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस बाय देम ऑफ ए मॉडल कोड ऑफ द कंडक्ट द इवॉल्व्ड विद द कंसेंसस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज आर द रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट द कमीशन इंश्योर्स इनर पार्टीज द डेमोक्रेसी इन देयर द फंक्शनिंग बाय द इंसिस्टिंग अपन देम टू द होल्ड देयर द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एट द पीरियोडिक इंटरवल्स। तो ये पूरा था मामला फ्रेंड। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं ये पूरा हम लोग जाने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पोलिटिकल पार्टी इन द
कमीशन के बारे में देखें और क्या देखें हम लोग, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कैसी काम करती है, स्टेट लेवल पे कैसा काम करता है ये बॉडी, इसके बारे में जाने हम लोग, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में जाने, और हम लोग इसके में इलेक्शन अपॉइंटमेंट टेन्योर अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब भी हम लोग जाने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वन कैसे करती है ये सब भी हम लोग जाने फ्रेंड, और ये अभी न्यूज में क्यों था जिसके बारे में भी हम लोग जान लिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पूरा जानकारी ले चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के न्यू अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।